हेलो गाइस, आई एम पूनम सिकरवार एंड वेलकम ऑन माय चैनल बेबी एंड यू। देखिए, प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारी लेडीज़ के मन में ये सवाल होता है कि उनको ऐसी कौन सी पोजीशन में सोना चाहिए जिससे कि उनके बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ हो और उनकी बॉडी को भी कोई हार्म ना हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी पोजिशन है जिससे आपके लिए तो बेनिफिट होगा ही, आपके बेबी के लिए भी बेनिफिट होगा। और आज मैं आपको इस पोजीशन के बहुत सारे बेनिफिट्स बताने वाली हूँ और साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि अगर आपको रात में सोते टाइम कुछ डिस्कम्फर्ट हो तो उनको कैसे ओवरकम किया जाए। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मेरे आगे के जितने भी वीडियोज़ हैं वो खुद ही आप तक पहुँच जाएंगे। देखिए, हर लेडी का सोने का डिफरेंट तरीका होता है। कुछ लेडी सीधी सोती हैं, कुछ अपने स्टमक के साइड से सोती हैं, कुछ अपने लेफ्ट में, कुछ अपने राइट में। तो हर लेडी का सोने का तरीका डिफरेंट होता है। लेकिन जब तक आप प्रेग्नेंट नहीं हो तब तक आप कैसे भी सोएं, लेकिन जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपके ऊपर एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। और अगर आप नहीं चाहती कि आपके बच्चे को कोई हार्म हो तो आपको प्रॉपर स्लीपिंग पैटर्न्स को फॉलो करना चाहिए। तो अब मैं आपको ऐसी पोजीशंस के बारे में बताऊंगी जो आपके बच्चे के लिए और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं, और ऐसी पोजीशंस के बारे में भी बताऊंगी जो आपके बच्चे के लिए हार्मफुल रहती हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि अगर आप फर्स्ट 3 मंथ में कोई भी पोजीशन में सोती हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं रहता है। फर्स्ट 3 मंथ्स में ऐसा कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर कुछ लेडीज़ अपने स्टमक साइड से भी सो जाती हैं तो भी बहुत ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन मैं तो यही बोलूँगी कि आप फर्स्ट 3 मंथ से ही प्रॉपर स्लीपिंग पैटर्न्स को फॉलो करना स्टार्ट करें जिससे कि आपका बेबी बिल्कुल सेफ रहे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो लेडीज़ अपनी बैक की साइड से सोती हैं उनके लिए क्या हार्म हो सकते हैं। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपका सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो चुका है तो आप अपनी बैक की साइड से बिल्कुल ना सोएं, क्योंकि देखिए, हमारी जो बैक होती है उसमें एक ब्लड वेजल होती है जिसको हम वेना कैवा कहते हैं। और इस ब्लड वेजल का काम होता है कि ये हमारे पैरों से ब्लड को हार्ट तक पहुँचाती है। तो अगर आप सीधी सोओगी तो आपका वजन, आपके बच्चे का वजन और इस वजन की वजह से उस वेना कैवा ब्लड वेजल पर थोड़ा प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर बढ़ने की वजह से बहुत सारी लेडीज़ को बैक पेन की प्रॉब्लम होने लग जाती है, बहुत सारी लेडीज़ को हेमरॉइड की प्रॉब्लम होने लग जाती है, आपका बीपी फ्लक्चुएट होने लग जाता है, तो लो बीपी की प्रॉब्लम या फिर हाई बीपी की प्रॉब्लम होने लग जाती है, और बहुत सारी लेडीज़ को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं, स्वेलिंग की प्रॉब्लम होती है। ये सारी चीज़ें होती हैं जब आपकी बॉडी में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं रहता है। और इससे सिर्फ आपको ही नहीं, आपके बच्चे को भी फ़र्क पड़ता है। अगर आप अपनी पीठ के बल सोएंगी तो आपके बच्चे तक प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पाता है और उसकी वजह से आपकी बेबी को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाएगा, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। तो इतने सारे हार्म होते हैं अगर आप अपनी बैक से सोती हैं तो। अब हम बात करते हैं कि वो लेडीज़ जो अपनी स्टमक से, मतलब कि उल्टा होकर सोती हैं, उनके लिए भी बहुत सारे हार्म्स होते हैं। वैसे तो ज़्यादातर लेडीज़ जब उनके बेबी बम्प निकलना स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद में सोती ही नहीं, क्योंकि सोया ही नहीं जाता है। लेकिन अगर आप अभी भी अपने स्टमक साइड से सो रही हो तो आप उसको अवॉइड करो, क्योंकि जब आप स्टमक की साइड से सोती हो तो आपके स्टमक पर बहुत प्रेशर पड़ता है और इस वजह से आपके बेबी के लिए बहुत हार्म्स हो सकते हैं। हम थर्ड चीज जो बात करेंगे कि आपको राइट साइड में सोना चाहिए या लेफ्ट साइड में सोना चाहिए। देखिए, राइट साइड में सोने के भी कुछ ज्यादा हार्म नहीं होते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट पोजीशन बोली जाती है स्लीपिंग पैटर्न्स के अकॉर्डिंग, वो है कि आपको अपनी प्रेगनेंसी में लेफ्ट साइड में सोना चाहिए। अब लेफ्ट साइड में सोना क्यों सजेस्ट किया जाता है, इसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है। वो ये है कि लेफ्ट साइड में ही हमारा हार्ट होता है और हार्ट का काम होता
होता है अपनी पूरी बॉडी में ये ब्लड को पंप करता है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है। तो अगर आप अपनी लेफ्ट साइड में सोएंगी तो आपकी पूरी बॉडी में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होगा, और जब आपकी बॉडी में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होगा तो आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, आपको स्वेलिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है आपके बच्चे को, क्योंकि आपकी प्लेसेंटा जिससे कि आपका बच्चा जुड़ा होता है उस तक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स पहुँचेंगे, आपके बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई मिलेगा, प्रॉपर विटामिन्स मिनरल्स सब कुछ मिलेगा। तो अगर आपका सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर है तो आप लेफ्ट साइड में ही सोएं, आप अपना बैक में सोना, राइट साइड में सोना ये सब अवॉइड करें, क्योंकि लेफ्ट साइड में सोने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। और अगर आप अपनी थ्रू आउट प्रेगनेंसी में लेफ्ट साइड में सो रही हैं तो वो तो वेल एंड गुड है, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारी लेडीज़ के दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि जब हम सोते हैं तो हमको अच्छे से नींद नहीं आती है, हमें बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, हमसे लेफ़्ट में नहीं सोया जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, फर्स्ट थिंग जो आपको फॉलो करनी है वो ये है कि अपना स्लीपिंग टाइम जो है वो मेंटेन रखना है। अगर आप रात में 11 बजे सो रही हैं, सुबह 6 बजे जग रही हैं, तो आपको ये मेंटेन करके रखना है अपनी थ्रू आउट प्रेगनेंसी में, जिससे कि आपको खुद ही उस टाइम पर नींद आने लग जाती है। जो सेकेंड थिंग फॉलो करनी है ये है कि आपको मैटरनिटी पिलोज का यूज करना है। मैटरनिटी पिलोज बहुत सॉफ्ट होती हैं और ये बहुत कंफर्टेबल होती हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से नींद आती है। जो थर्ड थिंग फॉलो करनी है वो ये है कि सोने से पहले बहुत ज्यादा वाटर कंज्यूम करके ना सोएं। माना कि प्रेगनेंसी में हाइड्रेटेड रहना जरूरी है, लेकिन अगर आप सोने से पहले बहुत ज्यादा वाटर कंज्यूम करके सोएंगी तो ये प्रॉब्लम हो जाती है कि आपको बार बार टॉयलेट के चक्कर काटने पड़ते हैं और थोड़ी थोड़ी देर में आपकी नींद खुलेगी और उससे भी आपको डिस्कम्फर्ट होता है। जो फोर्थ थिंग आपको फॉलो करनी है वो ये है कि आप सोने से पहले बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा के ना सोएं, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे आपको गैस वगैरह और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अगर ऐसी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं तो भी लेडीज़ को रात में सोने में बहुत डिस्कम्फर्ट होता है। इसके बाद जो चीज़ आपको फॉलो करनी है वो ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा बैक पेन होता है तो आप बेड पर सोना अवॉइड कर सकती हैं, आप चारपाई पर सोना स्टार्ट कर सकती हैं। ये मैंने खुद के ऊपर भी ट्राई किया है, मुझे भी काफ़ी सारा बैक पेन रहता था प्रेगनेंसी में, मोस्टली थर्ड ट्राइमेस्टर में रहा है मुझे, तो मैंने बेड पर सोना छोड़ दिया और एक चारपाई पर सोना स्टार्ट कर दिया था, जिससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिला था। इसके बाद जो चीज़ आप फॉलो कर सकती हैं वो है कि आप दिन में थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करें, थोड़ा बहुत घर का काम करें, जिससे कि थोड़ी बॉडी में थकान रहेगी तो आपको प्रॉपर टाइम पर नींद आ जाएगी। एंड द सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको अपने लेफ्ट साइड में सोना है, और लेफ्ट साइड में सोओगे तो आपके लिए भी सही रहेगा और आपके बच्चे के लिए भी सही रहेगा। सो गाइस, आज मैंने आपको किस पोजीशन में सोना है उससे रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में बता दिया है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। मैं बहुत जल्दी एक और नया वीडियो कराऊंगी, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर्स एंड बाय बाय।